क्या पेनिस का साइज मैटर करता है? इसके बारे में काफी सारे सवाल लोगों के आते हैं। और जब हम वेबिनार लेते हैं, सेक्स वेबिनार, तो सेक्स वेबिनार में ज्यादातर सवाल यही होते हैं कि भाई मेरा पेनिस छोटा है और वो मुझे बड़ा करना है, क्या आप बड़ा करवा के दे सकते हैं क्या? जब हम पूछते हैं लोगों को कि कितना है लंबा, क्या है, तो बोलते हैं हाँ वो 3 इंच है या 2 इंच है, 4 इंच है। तो फिर मैं बोलता हूँ फिर क्या प्रॉब्लम है? बोलते नहीं और बड़ा करने का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉर्न वीडियोज में देखा है, पॉर्न स्टार का देखा हुआ है, सेक्स के वीडियोज में देखा हुआ है कि 6-6, 7-7, 8-8 इंच है इरेक्शन होने के बाद में, और फिर उनको लगता है कि वो नॉर्मल है और वो एवरेज ऐसा उनको लगता है, मगर ऐसा नहीं है, वो पॉर्न स्टार है। और स्टडीज के मुताबिक ऐसा है कि 3-4% लोग, और कुछ स्टडीज में 7-8% लोग जो है उनको 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच इतना लंबा पेनिस होता है इरेक्शन होने के बाद में। अंदर जब 7 इंच अंदर जाएगा या 8 इंच अंदर जाएगा तो वो तो वजाना के वॉल को टकराएगा, या मतलब वहाँ उसको दर्द होगा इतना बड़ा अंदर गया। एक्चुअली वजाना जो है, मतलब योनि जो है, उसका जो एवरेज लेंथ है वो है 3-5 इंच। अब ये 3-5 इंच है, मतलब 3-5 इंच ही अपना पेनिस होना जरूरी है। जब लूज पेनिस है, जब इरेक्शन नहीं है, कठोरता नहीं है, तो पेनिस 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1 इंच से कितना भी ज़्यादा होगा तो भी चलता है। और दूसरा, जब इरेक्शन होता है तो एवरेज में लोगों का 4-6 इंच होता है एवरेज में, तो कॉमनली देखा तो 5 इंच होता है। तो एक्चुअली जो लेडीज को मजा आती है, सेटिस्फेक्शन आता है, एक्साइटमेंट आती है, वो लंबा पेनिस से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वजाना का बाहरी 1 या 1.5 इंच हिस्सा ही सेंसिटिव रहता है। तो फिर यदि उस स्त्री को पूछा कि भाई कितना पेनिस का साइज है, तो बोलेंगे 1.5 इंच। फिर आपका कितना भी लंबा रहा और उसको पूछा कितना लगता है आपको साइज होगा, तो बोलेंगे 1.5 इंच, क्योंकि उसको सेंसेशन सिर्फ 1.5 इंच ही रहते हैं, बाकी नहीं रहते सेंसेशन। तो फिर उसको मजा कहाँ आती है? तो मजा आती है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से बहुत मजा आती है, जी स्पॉट स्टिमुलेशन से बहुत मजा आती है, फिंगरिंग करने से बहुत मजा आती है। तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलने दो, उसको एक्साइटमेंट होने दो। पेनिस के साइज लंबाई होने से लेडीज को मजा आती नहीं है, उसको एक्साइटमेंट नहीं किया क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से, या यूनिलिंग को एक्साइट नहीं किया तो उसको मजा आएंगे नहीं। इसके साथ साथ उसको आपको मजा देने की है, एंजॉयमेंट करना है, सेटिस्फेक्शन करना है, तो आप सेक्स टाइज यूज करते हैं, डबल स्टिमुलेंट वाइब्रेटर जो रहते हैं कि दो जगह पे स्टिमुलेशन करते हैं, क्लाइटोरिस के ऊपर और वजाइना के ऊपर। ऐसे वाइब्रेटर आप ला सकते हैं और वाइब्रेटर से पहले वाइब्रेट करवा के दे सकते हैं, ताकि उसको बहुत मजा आएगा, बहुत एक्साइट हो जाएंगी और फिर वो आपके सेक्स के एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट लेंगी। सेक्स मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है कि मेरा छोटा है, बड़ा है, दुबला है, पतला है, वो पेनिट्रेशन में है। एक्चुअली सेक्स जो होता है वो होता है फोरप्ले में, जहाँ एक्साइटमेंट, एक दूसरे को करवाना, दोनों का इंटरेस्ट, प्यार, दोनों का एक्सेप्टेंस, मजा, ऐसा फोरप्ले में है। फिर प्ले होता है, मतलब पेनिट्रेशन होता है, वजाइना में लिंग का प्रवेश होता है, वो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एक्टिविटी चल सकती है। और बाद में होता है आफ्टर प्ले, जो भी स्त्री को बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको स्त्री को हरदम के लिए मजा देना है और उसने तैयार होना चाहिए सेक्स में, तो उसको फोरप्ले और आफ्टर प्ले में ज़्यादा एंगेज करो, ताकि उसको बहुत मजा वो दोनों में आता है, तो फिर वो कभी सेक्स को ना नहीं बोलेंगे। तो लिंग का साइज मैटर बिल्कुल नहीं करता है, 1 इंच से बड़ा है तो कुछ भी चलता है, 1-1.5 इंच इरेक्ट होने के बाद में 1.5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रात भी चलता है। लंबाई का, इरेक्शन का लंबाई, पेनिस की लंबाई और बच्चा होना, इसका भी कोई संबंध है नहीं। लंबाई और सेटिस्फैक्शन, इसका भी कोई संबंध है नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सिर्फ पेनिट्रेशन से नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन फोर प्ले और आफ्टर प्ले में होता है। तो ये भूल जाओ कि अपना लिंग छोटा है, दुबला है, पतला है, टेढ़ा है, इससे कुछ भी होता नहीं है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है, मतलब एकदम ऐसा हो चुका है, एकदम ऐसा है, बेंड हो चुका है एकदम, हो सकता है कि आपको पायरोनिस डिसीज है, फाइब्रोसिस हुआ है, तो उसमें छोटा ऑपरेशन करके उसको सीधा करना पड़ेगा। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम चलते रहते हैं, सेक्स वेबिनार्स, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स है उसके पोस्ट आपको आ जाएंगे और आप वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।